वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन में आफत की बारिश लगातार जारी है। बुधवार की रात को उत्तराखंड में बारिश ने भारी कहर बरपाया है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से 9 लोगों के मरने और कई लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। बुधवार रात को हुई तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। स्थिति सामान्य होने के बाद वे गुरुवार को देहरादून सचिवालय स्थित प्रदेश स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रबंध के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही सीएम ने वर्चुअली जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत भी की। इसके बाद सीएम ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हो। मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग को अलर्ट को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है, कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है, उन सभी को रिस्टोर करने के लिए। और चूँकि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहां पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुँचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल हुआ है? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। दो पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल, दोनों वॉश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं।